गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में गणित में हमारा टॉपिक चल रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो कि 17वां अध्याय है और इसकी प्रश्नावली 17.3 तक हम लोग पहुंच चुके थे। 17.3 से पहले हमने आपको ये बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम लोग समांतर माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का निर्धारण गणितीय रूप से भी होता है और उनकी स्थिति के अनुसार भी होता है। गणितीय रूप से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है वो है समांतर माध्य, और स्थिति के अनुसार जो माध्य होता है, जो बीच वाला आंकड़ा होता है, माध्य आंकड़ा होता है, एवरेज आंकड़ा होता है, ये तो होता है समांतर माध्य, और जो मध्य आंकड़ा स्थिति के अनुसार होता है वो होता है बहुलक और माध्यक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये 5 उंगलियाँ हैं, इनकी लंबाई को सेंटीमीटर में नापो और 5 का भाग दे दो, ये तो हो गया इसका गणितीय माध्य। और स्थिति के अनुसार जो बीच वाली उंगली है, ये हो गया इसका बीच वाला भाग, बीच वाला जो माध्यिका, और बहुलक जिन दो उंगलियों की हाइट बराबर है वो बहुलक हो जाएगा, जिसमें कि उसके किसी भी आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होगी। जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं आपको समझाता चलूंगा। माध्यिका मैंने आपको बताया था, पहला सूत्र था अपना x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बार 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 सूत्र याद करो, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये कब होता है, जबकि इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स आई बटे एन। आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं होता उस स्थिति में इस सूत्र को प्रयोग करेंगे, और जब आंकड़े बहुत ज्यादा हो और उनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम लोग काम लेंगे x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। 17.2 प्रश्नावली में हमने यही सूत्र काम में लिया था, एक्स आई यहां पर प्रेक्षण है और एफ आई कितनी बार आया, बार बार, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और सबका टोटल करके सिग्मा एफ आई का भाग देंगे। तीसरा था, ये दोनों जो माध्य निकाले थे हमने, ये थे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। यहां से शुरू हो जाता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का पहला सूत्र था x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जहां एक्स आई बराबर एल प्लस यू बटा दो, वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट, वर्ग की ऊपरी सीमा अपर लिमिट, दोनों को जोड़कर दो का भाग दे दो, ये होता है एक्स आई। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें हमने एक सवाल कर लिया था, बाकी सवाल उठ गया हूं आपको। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 17.3, आज 17.3 को हम खत्म करेंगे। प्राप्त अंक, और बारंबारता, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या ये है एफ आई, ये है वर्ग। 100 से 120 के बीच, 100 से 120 के बीच 10 छात्र, 120 से 140 के बीच
20 छात्र हैं, 140 से 160 के बीच फिर 20 छात्र हैं, 160 से 180 के बीच 15 छात्र और 180 से 200 के बीच 5 छात्र। यह हमें बंटन दिया गया है और कहा गया है कि आप इसका समांतर माध्य निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? इस वर्ग की निम्न सीमा 100, उच्च सीमा 120, दोनों को जोड़ेंगे 220 और मध्यमान xi आएगा 110। अब हम इस वर्ग के मध्यमान को जो xi है वो लेंगे और उसी से गणना करेंगे। ऐसे ही 130, 150, 170 और 190। अब आपका आएगा fi xi। इसका मतलब क्या है? इस ग्रुप में 10 विद्यार्थी, तो कुल अंक क्या हो गए? 1100, मध्यमान दिया है। इस ग्रुप में 20 विद्यार्थी, 13 × 2 = 2600। इस ग्रुप में भी 20 विद्यार्थी, 15 × 2 = 30, 3000। इस ग्रुप में 15 विद्यार्थी, 15 × 0 = 0, 15 × 2 = 105, 2550 और 19 × 5 = 95। या सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कुल विद्यार्थी कितने हैं? 20, 40, 60, 70 और सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सवालों में आप एक विशेष ध्यान रखेंगे, कौन से कॉलम का टोटल करना है। कई बार बच्चे परीक्षा की हड़बड़ाहट में गलती में इसका टोटल कर जाते हैं। एफ आई में एफ आई का टोटल होगा और एफ आई एक्स आई में एफ आई एक्स आई का। यह गलती किसी भी विद्यार्थी से हो सकती है जिसको सवाल बहुत अच्छी तरह आते हैं, वो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा है, वो भी गलती कर जाता है। इसलिए परीक्षा के दबाव में कोई गलती नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छी तरह सोच समझ के सवाल को हल करें। यहां हाथ रख ले कि ये वाला टोटल करना है, 0, 5 × 5 = 10, 2 × 6 = 8, 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, 9 × 9 = 10, 10200। तो सूत्र में मान रखें x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सूत्र अवश्य लिखें, अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 10200 अपॉन 70। 7 × 7 = 28, 4 × 7 = 35 और 7 × 7 = 49। 145.71 अंक ये माध्य है। इन अंकों का माध्य क्या हुआ? एवरेज बच्चे के अंक क्या हुए? 145.71। और देखिए और एक सवाल, वर्ग दिया हुआ है आपको, सवाल नंबर चौथा ही है, 17.3, वर्ग और बारंबारता यह आपको दी हुई है। पच्चीस पैंतीस वर्ग वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाया करो, बारंबारता वाला छोटा भी चलेगा। 25, 35, 35, 45,
पैतालीस पचपन पचपन पैंसठ और पैंसठ पिचहत्तर, छह दस आठ बारह चार, छह दस आठ बारह चार, सिग्मा एफ आई तो आप तुरंत कर लिए थे, बारह चार सोलह, सोलह और आठ चौबीस और दस चौतीस और छह चालीस। क्या निकालेंगे? मध्यमान। मध्यमान के लिए बोलिए, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर दो का भाग देंगे तो यह आएगा तीस, यह आएगा चालीस, ये पचास, ये साठ और ये सत्तर। बहुत आसान प्रश्नावली है। अब है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, छतिया अठारह, एक सौ अस्सी, चार सौ, चार सौ बारह छह बहत्तर और चार सत्तर अट्ठाईस। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर जीरो, आठ और दस अट्ठारह, दो चार छह चार दस, सात सत्रह और दो उन्नीस। सूत्र लिखेंगे अवश्य, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, 1980 में भाग दे देंगे 40 का, चार चौक 16, चार नाम 36 और चार पंजे 20, ये हो गया माध्य 49.5। इस तरह से बाकी के सवाल कर लेंगे आप, एक दो सवाल और बचे हैं और केवल दो सवाल बचे हैं। कल हमारा एक नया टॉपिक चालू होगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोनों सवाल ऐसे ही हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शेष प्रश्न जो दो बचे हुए हैं HW, कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कल्पित माध्य द्वारा, कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना और दूसरा पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। दो टॉपिक ये और एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो है भारित माध्य। इस तरह से माध्य में आपके कुल मिलाकर के एक दो तीन, तीन तो ये और तीन ये बचे हुए हैं, छह टॉपिक है। माध्य ही सबसे बड़ा टॉपिक है, इसके बाद बहुलक और माध्यक तो छोटे टॉपिक है। तो कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने का जो तरीका है वो हम अगली क्लास में करेंगे, कल करेंगे, लेकिन उसको समझ लीजिए कि छोटा सा टॉपिक क्या है। मान लीजिए आपके पास कुछ आंकड़े हैं, मान लो ये ए और बी दो पॉइंट है और यहां पर आपने कपड़े सुखाने के लिए इन दो खूंटियों पर तार बांध रखा है। तार को आपने चुटकी से पकड़ा और झंझनाकर छोड़ दिया तो तार ऐसे वाइब्रेट करेगा, राइट? ऊपर की दिशा में कितना ऊपर जाता है इस अवस्था से, यह कहलाएगा कल्पित माध्य। और यह कहलाएगा माध्य के सापेक्ष विचलन। कितना नीचे आता है यह भी विचलन। विचलन धनात्मक या ऋणात्मक कैसा भी हो उसका चिन्ह नहीं लिया जाता। मान लीजिए किसी खेत में जाने के लिए यह पगडंडी है, इस पगडंडी पर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आपको अभ्यास नहीं है,
आप क्या करेंगे, चलते चलते इधर खेत में घुस गए तो आप कितनी दूर तक यहां से डेविएट हुए, फिर वापस आए, फिर इधर आ गए, फिर वापस गए, तो कुल मिलाकर के मूल स्थिति से विचलित होना विचलन कहलाता है। और विचलन को अंग्रेजी में बोलते हैं डेविएशन, और डी इसका प्रतीक है, संकेत है। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, सूत्र भी कल ही बताऊंगा। फिलहाल आप 17.3 प्रश्नावली कंप्लीट करके आए, आज के लिए इतना ही है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे।